माशाल्लाह बच्चों माशाल्लाह, हमारे बहादुर जवानों, आप सब उस्मान साहब जैसा बनोगे। और क्या आप जानते हैं कि उस्मान साहब खुद कैसे बनना चाहते हैं? किनकी तरह बनना चाहते हैं उस्मान साहब? शाही मर्दान जैसे, यानी बहादुरों का शहंशाह। वो हजरत अली की पैरवी करते हैं। हजरत अली की बहादुरी मशरिक से मगरिब जहां सूरज की रोशनी है वहां तक है। वो अपने घोड़े पे सवार होकर हमें बदर, मक्का और खैबर की फतुहात तक ले गए हैं। क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। बच्चों, जब हमारे प्यारे नबी ने खैबर का घेराव किया, ये मुहासरा मुसलसल 20 दिन तक जारी रहा। वहां पर हर रोज कई जवान शहीद होते। 2000 लोग वहां शहीद और 5000 जख्मी हुए। मगर हार नहीं मानी। मुसलमानों को डरना जेब देता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े ताकतवर लोग खैबर के दरवाजे तक आए, मगर कोई खोल ना पाया। हमारे प्यारे नबी ने स्याह झंडा अपने हाथों में उठाया, सलमान फारसी को कहा, जाओ अली को बुला कर लाओ। सलमान हैरान रह गए। बहादुर हजरत अली ने अपनी दुखती आंखों से हमारे प्यारे नबी की तरफ देखा। हमारे प्यारे नबी ने अपना लुआबे दहन हजरत अली की आंखों में लगाया, उनकी तकलीफ दूर हो गई और स्याह झंडा अली को पकड़ा कर कहा, ए अली, अब तुम खैबर के इस किले को फतह करोगे मेरे प्यारे अली। वो पीछे नहीं हटे क्योंकि ये नबी का हुक्म था। हजरत अली ने सिपाहियों का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने झंडा उठाया और अपने जुल्फकार साथ ली, किसी शेर की तरह मैदान जंग की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह 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 अल्लाह। खैबर में तहलका मच गया, सारे यहूदी परेशान हो गए। वो कहने लगे, पूरी फौज के सामने यह अकेला कौन आ गया? उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? हजरत अली ये सुनकर उनसे बोले, नहीं जानते, मैं शाही मर्दां, इस जंग का सिपाही और अल्लाह का बंदा हूं, बेटा हूं अबू तालिब का। यहूदी चौंक गया और घबरा के कहने लगा, क्या तुम वही हो जिसे वो अली कहते हैं? हाँ, मैं ही वो अली हूं। मेरे हाथ में जो तलवार है, इस तलवार को जुल्फिकार कहते हैं। इससे कोई काफिर बच नहीं सकता। जब से ये मैदान में उतरी है, इस तलवार को कभी भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। काफिरों ने कहा, हम तुमसे क्यों डरे? तुम भी हमारी तरह ही हो, गोश्त और हड्डियों से बने हुए हमारी तरह ही इंसान हो। शाही मर्दां, हजरत अली ने फरमाया, हां ठीक समझे, मैं भी तुम्हारी तरह गोश्त और हड्डियों से बना हुआ एक इंसान हूं, मगर तुम नहीं जानते मेरे पास एक ऐसी ताकत है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अली ने झंडा अपने हाथों में उठाया और मैदान की तरफ चल पड़े।
किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ते चले गए। सुभान अल्लाह, खैबर के उस दरवाजे तक पहुंचे जिसे कोई ना खोल पाया था। हजरत अली को जलाल आया और उन्होंने अपने मजबूत हाथों से शेर के पंजे की तरह दरवाजे को पकड़ा और उसे खींच निकाला। किले का दरवाजा एक झटके में बाहर आ गया। उन्होंने उसे ऐसे उतार फेंका, ये दरवाजे के दो टुकड़े होकर जमीन में गिर गए। अल्लाह, और इस तरह खैबर का दरवाजा मुसलमानों के लिए खुल गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास वो कौन सी ताकत थी? ईमान की ताकत अहमद बेटा, ईमान की ताकत। कुफार का मुकाबला करने के लिए किसी बहादुर के पास तलवार से पहले ईमान की ताकत होनी चाहिए। बहादुर बनने के लिए निडर दिल, मजबूत हाथ, ईमान की ताकत और पैगंबराना इखलाक का मुतहम्मिल होना चाहिए। बिल्कुल उस्मान साहब की तरह। हाँ बिल्कुल उस्मान साहब की तरह। उस्मान साहब हमारे लिए सरजमीन पे बहादुर इंसान है, मजलूम उनके साये में महफूज रहते हैं। कुफार छुपने की जगह तलाश करते हैं, जगह तलाश करते हैं। अय माशाल्लाह। बच्चों माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाय माशाल्लाह।